सुजलान एनर्जी करीब 15 सालों के बाद कर्ज मुक्त होने जा रही है। यह कंपनी के शेयरधारकों के लिए एक अच्छी खबर है, खास तौर से उन शेयरधारकों के लिए जो लंबे समय से इस स्टॉक में फंसे हुए हैं। साल 2008 में सुजलान एनर्जी के एक शेयर करीब 400 रुपये के भाव पर मिल रहे थे, जो आज गिरकर 19 रुपए के भाव पर आ गया है। पिछले 15 सालों में इस स्टॉक ने अपने निवेशकों का करीब 85% पैसा डुबा दिया है। सुजलान एनर्जी के शेयरों में इतनी बड़ी गिरावट कैसे आई और आगे इस कंपनी का क्या प्लान है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। साल 2000 के बाद से ही स्वच्छ पर्यावरण को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं जोर पकड़ने लगी थी। इसी बीच साल 2005 में सुजलान एनर्जी अपना आईपीओ लेके आई। यह पवन चक्की यानी विंड टर्बाइन बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके आईपीओ को लोगों ने ग्रीन एनर्जी में पैसा लगाने का मौका देखा। सफल आईपीओ के बाद अगले कुछ सालों तक इसके शेयर तेजी से बढ़ते रहे और साल 2008 में यह 400 रुपये के ऊपर पहुंच गया। लेकिन उसी साल एक ग्लोबल आर्थिक संकट आया जिसके चलते पूरी दुनिया के शेयर बाजार क्रैश हो गए। सुजलान एनर्जी उस वक्त आक्रामक रूप से नए बाजारों में एंट्री करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस ग्लोबल आर्थिक संकट ने उसकी वित्तीय स्थिति को कमजोर कर दिया और इसके शेयरों में गिरावट आने का सिलसिला शुरू हो गया। सुजलान एनर्जी को सहारा तब मिला जब साल 2015 में सन फार्मा के मालिक दिलीप सांघवी ने कंपनी की 23% हिस्सेदारी खरीद कर इसमें 1800 करोड़ रुपये का निवेश किया। हालांकि कंपनी अभी दोबारा ठीक से रिकवर होती उससे पहले ही कोरोना महामारी आ गई और इसके शेयर 1.70 रुपये के अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच गए। हालांकि कंपनी ने यहां से फिर से वापसी की है। साल 2023 में इसने करीब 6 सालों के इंतजार के बाद पहली बार मुनाफा दर्ज किया। हाल ही में इसने अपने कर्ज को घटाने के लिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी QIP जारी किया था, जिसके जरिए इसने 2000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हिमांशु मोदी ने बताया कि इसमें से 1500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी अपने कर्ज को चुकाने के लिए करेगी। 1500 करोड़ रुपए के इस कर्ज को चुकाने के साथ ही करीब 15 साल बाद यह होगा जब सुजलान एनर्जी कर्ज मुक्त हो जाएगी। जून तिमाही तक के आंकड़ों के मुताबिक कंपनी पर कुल 1800 करोड़ रुपये का कर्जा है। 500 करोड़ रुपये को अपनी वर्किंग कैपिटल जरूरतों को खर्च करने के लिए इस्तेमाल करेगी। साथ ही इसका इस्तेमाल 3 मेगावाट वाले टरबाइन क्षमता को बढ़ाने पर किया जाएगा। कंपनी को 2025 तक अपने 3 मेगावाट टरबाइन के लिए बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। इस खास वीडियो में बस इतना ही। बिजनेस और शेयर मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और X यानी कि Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।